हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था फॉर्म कैसे बनाते हैं, आज हम कुछ नया करेंगे। आज हम लोग बनाना सीखेंगे हेडर, अपने वेब पेज का हेडर कैसे डिज़ाइन करें और फिर उस चीज़ को हम अपने वेब पेज में कहाँ कहाँ पे कैसे सेट करें, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो हाउ टू मेक हेडर, ओके। तो आज हम लोग हेडर के बारे में, अब लगभग इतना हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग अब वेब पेज का काम शुरू कर सकते हैं। तो आज सपोज करिए कि आज आपका एक पहला प्रोजेक्ट होगा और कैसे आप हेडर बनाते हैं, और हेडर बनाने के साथ साथ आप उसमें कैसे मेनू वगैरह आप सेट करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट वाइज में एक प्रोजेक्ट आपको कराता चल रहा हूँ और आप उस चीज़ को ध्यान से करते रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे डिव, ठीक है, और इस डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ, सॉरी ये पीएचपी का आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिया मैंने डिव, और यहाँ मैं क्या करूँगा कि इसी डिव में हमें कुछ लिखना है। सपोज करिए कि लिख देते हैं यहाँ माय हेडर, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा इसको शो करता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ क्या आया, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ मुझे इसके के लिए एक ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक बनाने के बाद से हमें उस चीज़ को शो करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, तो हेड सेक्शन में चलेंगे और इसके लिए कुछ हम स्टाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल हमने राइट किया और इसमें हम लिख देंगे, इस स्टाइल में हम लिखेंगे इसके लिए एक आईडी, इसको हम क्या करेंगे एक आईडी असाइन करेंगे। तो यहां पे मैं कर देता हूं हैच लगाता हूँ, और हैच लगाने के साथ हम लिख देते हैं एच, और इसमें हम कोड राइट कर देंगे। तो एच हेडर का हमारा जो बैकग्राउंड हो वो कैसे हो, एक एक चीज़ हम सोचेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। तो हेडर का बैकग्राउंड हमारा होना चाहिए, जो भी हमारा बैकग्राउंड हम यूज करना चाहें, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये मैंने बैकग्राउंड दे दिया, हेडर का हमारा बैकग्राउंड ये कलर होगा, ठीक है। अभी हमने कुछ यहाँ पे नहीं किया, आप देख रहे हैं सिर्फ मैंने ये कोड राइट किया है। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ, क्यों अप्लाई नहीं हुआ, कुछ हमने मिस्टेक किया। यहाँ पे हमको इसको देना होगा क्या आईडी, क्या देना होगा आईडी एच, जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद रिजल्ट शो करते हैं, देखते हैं, आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये हमारा हेडर बन के आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद से हेडर तो ये बन गया, इसके बाद हमको देना है कलर क्या होना चाहिए, तो कलर इसका वाइट होना चाहिए, तो हमने कलर दे दिया वाइट, ठीक है। अब देखिए कलर इसका वाइट हो गया। अब इसके चारों तरफ हमको क्या चाहिए, हमको कुछ ना कुछ हमें स्पेस चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो हम क्या पढ़ा था आपने, वेरी गुड पैडिंग, इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल। फिर अब इसके बाद से देखिए, यहाँ भी कभी कुछ नहीं लिखा गया, मैं इसको ये देखिए ये हो गया हेडर। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप देखिए ये हो गया, ये हो गया, अब ये सारी चीज़ें हमारी बन गई। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, देखिए ये हेडर हो गया, ये भी सेट हमने कर दिया। अब हम इसी में कुछ चीज़ों को सेट करेंगे, इसी के अंदर अगर हम ऐसे बना दें, एक एंकर टैग लेते हैं और टैग इसको हम अलग पैराग्राफ में कर ले,
नहीं ऐसे एंकर टैग बन गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ होम और इसको मैं लिंक करा देता हूँ। लिंक कराने के लिए आपको बताया जा चुका है क्या करते हैं, एच रेफ रेफरेंस होगा इसका और वो होगा क्या होम डॉट एस टी एम एल या जो कुछ भी आप बनाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको हैज लगाता हूँ, ठीक है, अभी मैं कोई नाम ऐसा नहीं दे रहा हूँ। अब फिर मैं क्या करूँगा इसको देखता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे एक लिंक बन के आ गया, ठीक है। फिर मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है, मैंने लिखा अबाउट अस, आप देख रहे हैं इसके बगल में आ गया अबाउट अस। अब इसके बाद से फिर मैं देता हूँ, अभी कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको इन सबको, और मैं देता हूँ इसका नाम चेंज कर देता हूँ अबाउट अस हो गया। और उसके बाद से कुछ और देना हो सपोज करिए सर्विसेज वगैरह तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ दे देंगे हम कॉन्टेक्टर्स, यहाँ दे देंगे कॉन्टेक्टर्स। तो ये हमारा, अब इसके बाद फिर हम इस चीज़ को रन कराएंगे। आप देख रहे हैं ये हमारे मेनू यहाँ पे सारे ये जो बन गए, और इसमें कॉन्टेक्ट को हम थोड़ा कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो आप डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये सबके सब जो है यहाँ होम बन गया। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये क्लिक करने के बाद से ये इसका कलर भी चेंज हो रहा है। लेकिन यदि हम इस चीज़ को चाहें कि नहीं हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको कुछ और कलर चाहिए, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी स्टाइल में अभी एक चीज़ थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, इसी स्टाइल में यहाँ पे लिखना होगा ए, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए कलर वाइट, देखते हैं क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यह कलर हमारा बदल चुका है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अब इस पर भी आप क्लिक करेंगे, इस पर भी आप क्लिक करेंगे, तो ये देखिए तो ये आपका कलर हो गया, एक हेडर आपने बना दिया। अब क्या करना है कि तो मैं आपको ये दिखा रहा था, मैंने इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि ये देखिए इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रहा था अंडरलाइन लेटर, वो मैंने हटा दिया। तो इसके लिए आपको राइट करना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, इतना प्रैक्टिस आप करिए ताकि फिर मैं इस चीज़ को और आगे ले चलूँगा, फिर मैं इसमें और कुछ काम करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के साथ बनाएंगे अपना फूटर, ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है, आप बहुत ही सावधानी से केयरफुल हो करके आप इस चीज़ को सीखिए, और देखिए बहुत ज़्यादा एक दिन में सीखने की ज़रूरत में या फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो हम एक चीज़ एक टॉपिक एक एट्रीब्यूट्स को हम एक कन्फर्म करें जो फिर पूरी लाइफ हमको सीखना ना पड़े, वो चीज़ हम समझ जाएँ तो वो बेहतर होगा।
तो आप ये जो है आप हमने हेडर बनाना सीखा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फुटर कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं और आपसे